नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर, मैं हूं आदेश पुरी। बिहार के सरकारी स्कूलों में अभी प्रवेशोत्सव यानी कि बच्चे स्कूल तक पहुंचे, ये एक समारोह मनाया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा नाम भी पहुंच गया जिससे एक खबर बन गई और बहुत बड़ी खबर बन गई। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो कि नेता विपक्ष हैं बिहार विधानसभा में, बिहार के एक बड़े नेता हैं, उनके एडमिशन के लिए अर्जी दी गई, वो चिट्ठी भी एक दी गई, प्रधानाध्यापक के नाम से पत्र लिखा गया है शेखपुरा के एक मिडिल स्कूल में, जिसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव का जो है मंद बुद्धि है और ज्ञान की कमी है, इससे बिहार को परेशानी हो रही है, अतः आप एडमिशन लें। चलिए आपको जो चिट्ठी जो दिया गया है वो पढ़ के हम सुनाते हैं, वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जिसमें दिया हुआ है कि सेवा में प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय शेखपुरा पटना, विषय बिहार सरकार संचालित विद्यालय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम अंतर्गत नामकरण के संबंध में। महाशय, विशेष आग्रह है कि तेजस्वी यादव पिता कैदी नंबर 3351 लालू प्रसाद यादव, पता 208 कौटिल्य नगर MP MLA कॉलोनी पटना, जो कि बिहार में विपक्ष के नेता हैं, उनके मंद बुद्धि ज्ञान से बिहार में परेशानी हो उठी है। अभी बिहार सरकार द्वारा बिहार विद्यालय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। आपका विद्यालय बौद्धिक विकास के लिए एक प्रतिष्ठित विद्यालय है, अतः तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद यादव का बौद्धिक क्षमता को वैज्ञानिक तरीके से माप कर नियम को शिथिल कर नामांकन करने की कृपा की जाए। राज्य के नागरिक होने के नाते मैं वित्तीय भार स्वयं वहन करने को सक्षम हूँ। ऐसे पुनीत कार्य के लिए आपके प्रति बिहारवासी और मैं खुद आभारी रहूँगा। तो जदयू का एक पलटवार है और तेजस्वी यादव के ज्ञान और बुद्धि पर यह प्रश्न खड़ा किया गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और सदन में हर एक मुद्दे को काफ़ी मजबूती से उठा रहे हैं और सत्ता पक्ष की जम के क्लास ले रहे हैं। आपको बता दें कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर उन्होंने 23 मार्च को विधानसभा घेराव के लिए एक सभा रखी थी और इस दौरान उसे पुलिस द्वारा बहुत ही निर्ममता से कुचल दिया गया, जिसमें दर्जनों राजद के कार्यकर्ता जो हैं वो घायल हुए। इसके बाद बिहार में सशस्त्र पुलिस बल, जिसका बिल बिहार सरकार लाया था विधानसभा में, इसको एक काला कानून बताते हुए तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया, पूरे विपक्ष ने विरोध किया और विधानसभा अध्यक्ष को का जो उनका जो कक्ष होता है उसके सामने धरना देने लगे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष जो है वो पुलिस बुलाते हैं और बहुत ही बदसलूकी के साथ विधायकों को मार पीट कर उठाकर विधानसभा के बाहर फेंक दिया जाता है। इसके बाद से ही लगातार तेजस्वी यादव हमलावर रहते हैं और नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन पर कई तरह के संगीन आरोप लगाते हैं। ग्रेड सी के नेता उन्हें घोषित करते हैं और बहुत सारे न जाने कितने जो उन पर आरोप जो है वो लगाते हैं। इसी का जवाब जो है जदयू ने दिया है, पलटवार किया है और उनकी योग्यता पर, उनकी बुद्धि पर और ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और शेखपुरा के एक स्कूल में उनका एडमिशन करने के लिए उनको एक लेटर लिखा गया है ताकि बिहार को इससे परेशानी ना हो। तो अब देखने वाली बात है कि जदयू ने जो ये चिट्ठी लिखा है इसकी प्रतिक्रिया राजद की तरफ से क्या आती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के नामांकन के लिए जो प्रवेश उत्सव बिहार सरकार मना रही है उसी के तहत एडमिशन के लिए गुजारिश की गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।